अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल ज़ेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज ग्रीक लिटरेचर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक इज बायोग्राफी ऑफ हुमर एंड वाई हुमर इज कॉल्ड अ ब्लाइंड पोइट। Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. And now I'm gonna start the topic. Greek literature, biography of Homer, why Homer called a blind poet. The Greek poet Homer was born sometime between the 12th and 8th century BC. Greek poet Homer वो 12 और 8 century BC के दरमियान पैदा हुए, possibly somewhere on the coast of Asia Minor, तो कहीं ना कहीं coast Asia Minor के coast में. He is famous फॉर द एपिक पोइम्स द इलियड एंड ओडिसे, वो मशहूर थे एपिक पोइम्स की वजह से. एपिक पोइम्स जो थी वो इलियड और ओडिसे थी, विच हैव हैड एनॉर्मस इफेक्ट्स ऑन वेस्टर्न कल्चर, जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर पर बहुत ही ताकतवर असरात पैदा किए. एंड बट वेरी लिटल आर नाउन अबाउट देयर, और बहुत ही कम जो थी वो जानी जाती थी अबाउट देयर. बहुत कम असरात हुए एलिगेंट ऑथर पर. हुमर इज द प्रज्यूम्ड ऑथर ऑफ द इलियड एंड ओडिसे. हुमर प्रज्यूम्ड ऑथर था इलियड और ओडिसे का. टू ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल एपिक पोइम्स ऑफ एंशियट ग्रीस, दो बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंशियल एंशियट ग्रीस की इन्फ्लुएंशियल एपिक पोइम्स इलियड एंड ओडिसे, उनके हुमर प्रिज्यूम्ड ऑथर थे. इफ़ हुमर डिड इन फैक्ट कम्पोज द वर्क, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड. अगर हकीकत में हुमर अपने काम को कम्पोज करता तो वो सच में दुनिया में लिटरेरी आर्टिस्ट, एक ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट बन जाता. एंड थ्रो दीज पोइम्स अफेक्टेड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज़, और इन तमाम नज़मों के जरिए वेस्टर्न के स्टैंडर्ड और आइडियाज़ पर असर होता. द ओडिसे, जी आर ओडिसिया, इज द सेकेंड ऑफ द टू एपिक पोइम्स, हुमर द फर्स्ट बींग द इलियड. द ओडिसे, जी आर ओडिसिया सेकेंड थी एपिक पोइम्स थी हुमर की, और जो पहली थी वो इलियड थी. एंड यूजली कंसिडर्ड द सेकेंड एक्सटेंट वर्क ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर, और आमतौर पर ये वेस्टर्न लिटरेचर के सेकेंड एक्सटेंट काम समझा जाता है. It was probably composed near the end of the 18th century BCE and is, और ये probably composed थी 8वीं सदी BC के एंड के नज़दीक and in part of sequel to the Iliad, और ये the Iliad के in part sequel में. Homer performed and sang, he is called a, हुमर जो था वो perform करता था और sang करता था, इसीलिए वो bard कहलाता था. He is thought to have been blind, और was blind समझा जाता था. And so he is known as the blind bard, और इसीलिए वो blind bard जाना जाता था. Just as Shakespeare calling on bard, just as Shakespeare calling on the same tradition, जैसे कि Shakespeare ने भी ऐसे ही same tradition में कहा है, is known as the bard of Avon. Avon is known as the bard of Avon. That's why Homer called a blind poet. तो इसीलिए वो bard of Avon जाना जाता था, तो इसी वजह से Homer blind poet कहलाया. Homer is said to have died on the island of Ios and his grave is supposedly at. Homer वो Ios के island पे फोत हुआ, और उसकी जो कब्र थी वो सपोजिटली लोकेटेड एट पैलाकोट में लोकेट थी. टूडे कंसीडर एज अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑन द आइलैंड ऑफ एसो, और ये आज के दौर में
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाली जगह समझी जाती है आइलैंड, आईओएस का आइलैंड। सम बिलीव डैट ही डैट ऑफ एन इलनेस, कुछ बिलीव करते हैं कि वो फोत हुआ अपनी बीमारी की वजह से। वाइल अदर बिलीव डैट द लोकल्स हैड टू किल हिम, वहाँ के रहने वालों ने, लोकल्स ने उसे मार दिया। बिकॉज ही वॉज इनेबल टू सोल्व अ राइडल पोस्ट बाय दम, क्योंकि वो एक वो अनएबल था अब राइडल को सॉल्व करने में जो उनके पोस्ट बाय देम थी, तो इसी वजह से उसे किल कर दिया गया। और गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रीक लिटरेचर बायोग्राफी ऑफ हुमर, व्हाई हुमर कॉल्ड अ ब्लाइंड पोइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।